अभी हमारे सामने जो T-55 टैंक जो खड़ा है, ये भारतीय सेना में उत्कृष्ट काम किया था, इसने बहुत पराक्रम दिखाया था इस टैंक ने। और ये जो जगह है वो है बापोड़ा। बापोड़ा जो है भिवानी ज़िले के तुसाम जो हल्का है उसका एक बड़ा गांव है, सैनिकों का गांव है। और जो जनरल बीके सिंह जो थल सेना अध्यक्ष थे हमारे, वो भी इसी गांव के हैं। तो ये सैनिकों का गांव है। इस गांव में करीब करीब मतलब बड़ी आबादी है और एक डिसाइडिंग फैक्टर है इस गांव का, ये बोट को बहुत प्रभावित करता है ये गांव। और इस गांव में फ़िलहाल जो स्थिति है उसमें तीन जो बड़े कैंडिडेट हैं यहाँ से, तीनों के वोट हैं। यहाँ सुधीर चौधरी वो भी वोट है भाजपा के, अनिरुद्ध चौधरी कांग्रेस के वोट है, और जो शशिरंजन परमार हैं निर्दलीय प्रत्याशी उनके भी वोट हैं। ये यहाँ पे जो मतदाता है आप बटे हुए हैं। अब हम इस गांव के लोगों से बात करेंगे, सैनिकों के जो मुद्दे हैं, वन रैंक वन पेंशन और जो अग्निवीर है, उन सारे मुद्दों पे इस गांव के लोगों से बात करेंगे। सरकार ने जो तीन चीज़ें जो सरकार कह रही है, तीन चीज़ों पर अभी चुनाव में चर्चाएं हो रही हैं। एक तो अपना वन रैंक वन पेंशन है जो केंद्र सरकार ने लाई है और उसके गिनाए जा रहे हैं, फायदे भी गिनाए जा रहे हैं। दूसरा 370 है, अनुच्छेद 370 जिसको हटाया है, उससे कह रहे हैं कि पत्थरबाजी कम हुई है, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है जम्मू कश्मीर में। और तीसरा है अग्निवीर योजना। इन तीनों योजनाओं के बारे में आपकी क्या राय? दो योजनाएं हैं, 370 है और वन रैंक पेंशन है। इन पे बहुत ही अच्छा काम किया सरकार ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो अग्निवीर योजना है ये एक देश हित के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ये एक देश को गड्ढे में डालने वाली योजना है। जितने भी सैनिक हैं उनको पूरी सिखलाई दी जाए, पूरी नौकरी करवाई जाए उनसे, तभी देश हमारा सुरक्षित है। तो क्या लगता है आपको, सरकार ने जो ये कदम, जो सरकार की योजना है उसमें कुछ सुधार होनी चाहिए? हाँ, इसके अंदर सुधार होना चाहिए सर, बिल और सुधार होना बहुत ही अच्छी बात है और होना भी चाहिए इसके ऊपर। क्या इस जो अभी सरकार ने जो अग्निवीर योजना लाई है इसका चुनाव पर भी असर पड़ेगा आपके हिसाब से? बिल्कुल पड़ेगा सर, हमारे जो युवा हैं वो तो बिल्कुल ये जान लो भाई ख़त्म है ये। और ये आदमी के मुँह के ऊपर सुनते हैं भाई ये योजना हमारे लिए इसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, हम BJP को वोट नहीं देंगे, इसको नहीं करेंगे, ये करेंगे, ऐसी बात सुनने को मिलती रहती है। नए नए लड़के हमारे को तो बर्बाद कर दिया, हम कहाँ जाएं। ओके, हम सैनिकों के गांव बापोड़ा में बैठे हैं अभी। बापोड़ा जो है सैनिकों का गांव तो है ही, सबसे बड़ी बात है कि ये तुसाम हल्के का सबसे बड़ा गाँव भी है। यहाँ 10 से 12 हज़ार तो वोटर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जनरल बीके सिंह जैसे वीर सपूत भी इस गाँव ने दिए हैं। तो आज हम कुछ सैनिकों से बात कर रहे हैं। अब ये अपने सामने सर हैं, कैप्टन किरण पाल जी। हाँ सर, अब हम ये जानना चाह रहे हैं जो सरकार ने जो ये अग्निवीर योजना लाई है इसके बारे में आपका क्या राय है? जो अग्निवीर योजना लाई है सरकार, इसमें देखो आप सब देख रहे हैं, पूरा हरियाणा देख रहा है कि अग्निवीर योजना के ख़िलाफ़ है जनता। और इसके अंदर जनता के अंदर रोष भी है और जवानों के अंदर भी रोष है कि अग्निवीर योजना थी जो एक योजना ठीक नहीं है। कारण कि सरकार ने जो किस अपनी नीति और सोच समझ के लाई है, लेकिन जनता इस चीज़ का ये नहीं समझ रही कि ये एक अच्छी योजना है। कारण कि एक तो सैनिक के लिए यही नुकसान है कि 4 साल के अंदर सैनिक नहीं बनता, क्यों, उसको कोई युद्ध अभ्यास का मौका ही नहीं मिलेगा। वो ट्रेनिंग करेगा 1 साल की और उसके बाद में यूनिट में अपने ड्यूटी फटीक करके आ जाएगा। इसलिए ये अग्निवीर की योजना है वो इतनी कामयाब नहीं है। और जो लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर जोश था तैयारी करने का, फौज में भर्ती होने का जो जुनून था, उसमें भी कमी आई है। पहले रोड पर लाइन लगी रहती थी तैयारी करने के लिए, लेकिन आज रोड सुनने हैं, कोई बच्चा अग्निवीर में जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा और नहीं तैयारी कर रहा है। तो जा रहे हैं वो मजबूरी में, कोई जा रहा है लेकिन अपने दिल से, न नौकरी करने के लिए जा रहा है और न ही मतलब देश के फायदे के लिए जा रहा है। ओवरऑल मतलब जिस उद्देश्य से, जैसा सरकार कह रही थी कि अग्निवीर योजना लाने से हमारे देश में सैनिकों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी, ओवरऑल इस उद्देश्य में सरकार
सफल रही या असफल रही? नहीं, इस उद्देश्य में भी सरकार सफल नहीं रही है, असफल रही है। कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी वो नहीं है। इसका ये था अभी अग्निवीर योजना को धीरे धीरे जो पेंशनर हैं उसकी पेंशनर की जो ख़त्म हो जाएगी, और अग्निवीर योजना से ही हम मतलब उसमें 25% और कुछ पुराने रख करके और हम काम चला लेंगे, लेकिन उस हिसाब से काम नहीं चलेगा। आज जो इंडिया की सिचुएशन है, जो ग्राउंड सिचुएशन है, उसके अंदर हमारे जो निगबोरिंग कंट्री हैं जैसे पाकिस्तान है और चाइना है, अगर हमारे को दो फ्रंट पे अगर युद्ध लड़ना पड़े तो उस टाइम पे जो अग्निवीर योजना वाली जो है इसमें हम कामयाब नहीं होंगे। क्यों? इसको उस हिसाब से ट्रेनिंग और सिखलाई नहीं मिल पाएगी जो कि युद्ध में एक सैनिक को ज़रूरत होती है और करनी पड़ती है, वो चीज़ सिखलाई में अभी शामिल नहीं हो पाएंगी 4 साल के अंदर। क्या जो सैन्य शिविर है उसमें भी परमानेंट सैनिक और ये जो सैनिक है उनमें कुछ इस तरह देखता है कार व्यवहार सीखने का तौर तरीका या और कुछ इसमें अंतर दिखता है? हाँ, इसमें ये अंतर देखो जो मैं पहले बता रहा था कि जो युद्ध अभ्यास होते हैं, जो लड़ाई की एक एक्सरसाइज बोलते हैं फौजी भाषा में उसको, युद्ध अभ्यास हिंदी में, तो उस युद्ध अभ्यास में उस अग्निवीर को इतना जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब जो भी जो सेना का मेन उद्देश्य क्या है, अगर भाई देश की रक्षा करना, देश की रक्षा तभी होगी जब उसके अंदर कुछ सिखलाई होगी, तो सिखलाई का इस जवान को इतना मौका ही नहीं मिला। एक ट्रेनिंग में युद्ध की सिखलाई इतनी नहीं मिलती है, उसको एक मोटे तौर पे एक प्रिपरेशन की जाती है उस टाइम पे। तो युद्ध की सिखलाई तो सिर्फ जो यूनिटों का, ब्रिगेड का, डिव का, कमांड की जब एक्सरसाइज चलती हैं उसी के अंदर ही उसको युद्ध अभ्यास करने का मौका मिलता है, कि उसी के अंदर जो ट्रेनिंग स्किल हैं वो आएंगी उसको, उसी के हिसाब से अपनी लड़ाई लड़ सकता है और कामयाबी ले सकता है। लेकिन 4 साल के अंदर इतनी कामयाबी नहीं हासिल कर सकता। अरे साथ हैं सूबेदार ओम प्रकाश जी, अग्निवीर योजना को काफ़ी करीबी से जानते हैं ये, आप अग्निवीर योजना के बारे में बताइए, क्या उसका नफा नुकसान देख रहे हैं आप? अग्निवीर की योजना जी ठीक नहीं है। ये पहले क्या था, ये परमानेंट भर्ती होती वो सही थी, 15 साल करके अपना पेंशन के लिए आदमी काम करता था, बिल्कुल आराम से जो भी अपना सोच विचार करके भर्ती होता था, 15 साल करके ट्रेनिंग और अपना सिपाही बनकर भी आ जाता था, पेंशन बन जाती थी। 4 साल मैंने को पेंशन है, बेरोजगारी है ये, फिर बाद में घूमता रहेगा इधर, कोई मध्य वर्ग के लिए बहुत नुकसान है। क्या 4 साल में पूरा सैनिक तैयार हो जाता? नहीं होता, 4 साल में कोई सैनिक नहीं होता, ये 4 साल में ड्यूटी फिटी करके आ जाएगा, कुछ नहीं सीखा। अच्छा, उसकी 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होगी और बाकी एडवांस, एक रेजिमेंट में जाएगा पोस्टिंग और आ जाएगा, एक जगह जाएगा, 15 साल में कम से कम 6-7 जगह घूमता है। अच्छा, चुनाव इसका चुनाव बहुत फर्क पड़ा है। आप MP इलेक्शन में देख लो, पहले 2019 में के नाम है ये 10 सीट आई थी BJP की, और अभी ये 5 रहेगी 2024 में, और अभी इस विधानसभा में बहुत फर्क पड़ेगा, आप देख लेना। 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, जब देख लेना विधानसभा। क्या चुनाव में एक मुद्दा बनेगा? चुनाव पक्का मुद्दा बनेगा जी, ये मध्य वर्ग का, ये मार्शल कास्ट के लिए मुद्दा बनेगा, ये मार्शल का, राजपूत, पंडित और ये, और जो मार्शल कास्ट हैं, जाट, पंजाबी, ये जितने हैं ये जो फौज में जाते थे खुशी से, उनमें बहुत फर्क पड़ा है, मध्य वर्ग का आदमी पीछे है इसके अंदर। ओके, अच्छा ये बताइए जो 370 का जो इश्यू है उसके बारे में आपका क्या? 370 जो इन जो थोड़ी सही है राष्ट्र की, तुम्हें ये एक देश एक कानून, ये सही है, ये चीज़ मतलब ORUP भी सही है। हाँ, ये सब बढ़िया चीज़ है, ये 1-1 पेंशन की बढ़िया स्कीम है, इन्हें सही कर दिया, और थोड़ा बहुत जो कि में है वो कर देंगे। इन जवानों के लिए भी काफ़ी किया है, जैसे के लिए कुछ नहीं किया इन्हें, ओके, सूबेदार के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन के हौलदार तक इन्हें काफ़ी पैसा दिया है, वो सही है, जो काम सही है सही है, गलत है गलत है, योजना इन्हें गलत ले आई, अग्निवीर की गलत ले आई। अच्छा, क्या इसका संबंधों पर भी असर है, लोगों के शादी विवाह, रिश्ते? हाँ, क्योंकि हरियाणा में रिश्ता बहुत महत्व, रिश्ता तो पहले फौजी का तो फटाफट पूछते रहे, फौजी बताओ अग्निवीर, अब ये बोलते हैं अग्निवीर में क्या, हम नहीं करेंगे, इसका पूरा इफेक्ट पड़ा है। और जो राजपूत का तो एक किस्म का तो शादी का जुगाड़ था, भर्ती हो जाता था राजपूत पंडित, कोई भी जो जाट, ये पंजाब का आदमी, ये इसमें 3-4 स्टेटों में बहुत फर्क पड़ा है, ओके, UP MP में पड़ा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।